हेलो गाइस, वेलकम टू एडी टुडे। आज हम लोग, जैसे आप लोग को टाइटल से मालूम पड़ा रहेगा कि हम लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कोर्सेज, वो भी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप गूगल करोगे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कौन से रैंक पे आता है, तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि वो नंबर 3 या नंबर 4 पूरे वर्ल्ड में रैंक में आता है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाए और वहाँ पर पढ़ाई करे। तो अगर आप लोग जा नहीं पाते हो यूएस और वहाँ पे जाके नहीं पढ़ाई कर सकते हो, एटलीस्ट उनका ऑनलाइन कोर्स से हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो भी फ्री में। फॉर एग्जांपल, मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अगर गूगल में टाइप करता हूँ, तो मैंने पहले से टाइप करके रखा है, तो यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का उनका खुद का ऑफिशियल पेज आता है। तो यहाँ पर फ्री ऑनलाइन कोर्स या फिर हार्वर्ड ऑनलाइन कोर्सेज करके ऑप्शन है। तो मैं जैसे हार्वर्ड ऑनलाइन कोर्सेज करके क्लिक करता हूँ, तो मेरे को ये वाला पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का खुद का ऑफिशियल पेज है। यहाँ से भी आपको यूआरएल से भी समझ में आएगा, ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, ये उनका खुद का वेबसाइट है। तो ये सारा कोर्सेस है जो लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं। जैसा फीचर्ड कोर्स में देखो, लेसन फ्रॉम इबोला, इबोला के बारे में प्रिवेंशन, नेक्स्ट पैंडेमिक कैसा होगा, क्या होगा, फ्री कोर्स 4 वीक लॉन्ग। अगर कोई हेल्थ एंड मेडिकल प्रोफेशनल से है, मेडिसिन प्रोफेशनल से है, रिसर्च से है, अगर कोई करना चाहता है तो फ्री में कर सकता है, 4 वीक्स लॉन्ग और अभी अवेलेबल है। और बहुत सारा कोर्सेस यहाँ पे उनका अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं व्यू ऑल कोर्स करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो मुझे आप देख सकते हो यहाँ पे 228 रिजल्ट्स आता है। मतलब 228 कोर्सेस है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। बट लेकिन यहाँ पे हर कोर्स फ्री में नहीं है। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो $75, $69 का एक कोर्स है। बट लेकिन अगर आप लोग बोलते हो कि फ्री का कोर्स करना है, हम लोग को कोई कुछ चीज़ पे नहीं करना है और फ्री में कोई कोर्स करना है, तो फ्री कोर्स भी अवेलेबल है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री कोर्स भी अवेलेबल है। तो फ्री कोर्स के लिए आप लोग सिंपली यहाँ पर प्राइस रेंज में जाएँ। प्राइस रेंज में पेड वाला कोर्स एंड फ्री वाला कोर्स है, उसमें फ्री वाले कोर्स को सेलेक्ट करें। जैसे आप फ्री वाला कोर्स को सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर 85 रिजल्ट्स आया। मतलब फ्री कोर्स 85 कोर्सेस है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। जैसे CS50, इंट्रोडक्शन टू गेम डेवलपमेंट, अगर कोई प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट से और गेम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ये वाला है। CS50, दिस इज़ वेब प्रोग्रामिंग विद पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। मैं ये वाला कोर्स सेलेक्ट करता हूँ। जब मैं ये वाला कोर्स सेलेक्ट करूँगा, तो वो मुझे उस कोर्स का डिटेल पेज में लेके जाएगा, जहाँ से मैं टेक कोर्स कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ से कोर्स अप्लाई कर सकता हूँ और कोर्स का पूरा फ़ायदा उठा सकता हूँ। यहाँ पे देखो, ड्यूरेशन 12 वीक्स लॉन्ग कोर्स है। टाइमिंग 6 to 9 आवर्स अगर पर वीक आप दोगे, तो 12 वीक्स में ये कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा। पेस सेल्फ पेस, मतलब आप अगर 9 आवर्स कंप्लीट, एक दिन में 9 आवर्स बैठो, एक दिन में 10 आवर्स बैठो, एक दिन में 12 आवर्स बैठो, ये आपके ऊपर है। बट लेकिन 6 to 9 आवर्स पर वीक तो बैठना ही चाहिए, तब 12 वीक्स में कंप्लीट होगा। सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्टी इंटरमीडिएट है, मतलब बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल है। अगर इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है ये। और यहाँ पर देखो, क्रेडिट आके ऑडिट फ्री है। मतलब ये कोर्स फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको फ्री में आपका चेक भी किया जाएगा लास्ट में जो टेस्ट होता है। बट लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको $149 पे करना है। तो आप फ्री के जितने भी कोर्सेस आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि कोर्स तो फ्री है, उसका ऑडिट भी फ्री होगा, बट लेकिन कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो $149 का होगा। बट लेकिन मैं बोलूँ, अगर आपके पास $149 नहीं है, तो आप सिर्फ एटलीस्ट कोर्स तो ले लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर टाइम में आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? तो कोर्स भी अगर आप कर रहे हो, मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो, इंस्ट्रक्टर ये है, मतलब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उनके प्रोफेसर से अगर आपको एक कोर्स, एक सब्जेक्ट सिखाया जाता है, तो मैं तो बोलूँगा वो भी बेस्ट है। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं लेना है, तो मत लो, आप सिर्फ कोर्स करो, तो वो भी बेस्ट है। मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से एक कोर्स मिल रहा है, उनसे कुछ पढ़ने मिल रहा है, तो और क्या चाहिए, फ्री में वो भी। तो और मेरे हिसाब से नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर बार सर्टिफिकेट ही काउंट नहीं करता, आपके पास खुद का जो नॉर्मल लोकल सर्टिफिकेट भी हो, बट लेकिन आपका नॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेवल का हो, तो भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कोर्स है, कोर्स फ्री कोर्स है, ये कोर्स ओपन है फ्रॉम जुलाई 1 और दिसंबर 31, 2021 तक ये कोर्स अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर क्या क्या पढ़ने मिलेगा ये पूरा लिखा हुआ है, जैसे HTML, CSS, Flask, SQL, APIs, JavaScript, ये सारा चीज़ है। कोर्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, कोर्स कहाँ से एसोसिएटेड है, ये हार्वर्ड फैकल्टी से एसोसिएटेड है, साइंस से। तो ये सारा चीज़ कर सकते हो। अगर आप दूसरे फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपको प्राइस में फ्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हो, आर्ट्स, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, सोशल साइंस, साइंस। तो मतलब आप कोई भी डिवीजन से हो या फिर कोई भी बैकग्राउंड से हो, और अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो तो आराम से आप कर सकते हो। जैसे अगर मैंने साइंस सेलेक्ट किया तो देखो मलेरिया के बारे में अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन मुझे लेना है तो उसके बारे में आएगा, मुझे न्यूरो साइंस के बारे में है, ये सारा चीज़ के बारे में, मतलब फ्री कोर्स है, आप लोग आराम से बैठ के ये कोर्स कर सकते हो। नेक्स्ट स्टार्ट डेट एंड डेट है, जैसा जो अवेलेबल नाउ है, मतलब नेक्स्ट वीक में अवेलेबल होने वाला है कोर्स, वो भी आप फिल्टर आउट कर सकते हो। अवेलेबल नाउ सेलेक्ट करोगे तो जो कोर्स अभी फिलहाल अवेलेबल है वो कोर्स आएगा। ड्यूरेशन भी कर सकते हो, ड्यूरेशन मतलब 2 वीक्स के अंदर का ड्यूरेशन, या फिर 12+ वीक का ड्यूरेशन, 4 to 8 वीक्स, मतलब ड्यूरेशन के हिसाब से भी आप फिल्टर आउट कर सकते हो। और डिफ़िकल्टी लेवल, आप बोलते हो कि नहीं हम लोग को एकदम बेसिक से सीखना है, तो इंट्रोडक्शन लेवल वाला कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा बहुत उस कोर्स के बारे में जानते हो और इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी इंटरमीडिएट, या फिर आप पहले से उसमें काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, और उसके बाद आप कहते हो कि मुझे एडवांस लेवल सीखना है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो भी फ्री में, तो भी आप एडवांस लेवल का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसका फ़ायदा उठा सकते हो। यही था स्टूडेंट्स, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।